हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जामपीडिया। आज के इस वीडियो में हम गूगल के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गूगल वेंकट पंचकेश्वर मेमोरियल स्कॉलरशिप 2022। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपको 750 $ मिलने वाले हैं, जो इंडियन करेंसी में अगर इसका बात करें तो इसका जो इंडियन करेंसी का वैल्यू है वो है 54,000, यानी 54,000 रुपये आपको अप्रॉक्सीमेटली इसमें मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं। अगर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले ये इसमें बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल्ड हों, और उसके बाद वो 2022 के एकेडमिक ईयर में हो। उसके बाद है कि वो जो कैंडिडेट्स होंगे वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से रिलेटेड किसी भी फील्ड से अपना वो यूजी या फिर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे होंगे। और आगे की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करते हैं, तो उसके बारे में ये प्रोसेस बताया गया है कि इस स्कॉलरशिप को देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि टू फिल आउट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट शुड हैव टू विजिट गूगल स्कॉलरशिप ऑफिशियल पोर्टल। यानी ये बताया जा रहा है कि आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल का स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। वो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि द कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट हिज और हर CV विथ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत आपको अपना CV या रेज्यूम को अपलोड करना होगा, और आपको अपना वर्किंग एक्सपीरियंस भी शेयर करना होगा। कंप्यूटर फील्ड के साइंस में आपने जितना वर्क किया उस एक्सपीरियंस को आप शेयर करना होगा आपके रेज्यूम के द्वारा। और आप अगर आपने कहीं लीडरशिप किया तो उस लीडरशिप का एक्सपीरियंस भी आपको उसमें बताना होगा, और फिर आपने उस लीडरशिप के द्वारा क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया था वो भी आपको बताना होगा। नंबर दो बात करें प्रोसेस की, कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसमें है कि द कैंडिडेट शुड सबमिट 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करने होंगे। दे कैन बी फ्रॉम कैंडिडेट्स फैकल्टी और सुपरवाइजर एट देयर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस पर वो आपके सुपरवाइजर या फिर किसी फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब, तो आप अपने सीनियर ऑफिसर से आप वो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं, और फिर आपको उसको अपलोड कर देना है जब आप लिंक के द्वारा अप्लाई करेंगे तब। उसके बाद है कि आपको एक ऐसे लिखना होगा, एक ऐसे 300 वर्ड में होना चाहिए, जो कि 2 टॉपिक दिया हुआ है। इस दोनों टॉपिक पे एक टॉपिक है कि हाउ डू यू प्लान टू यूज कंप्यूटर साइंस टू मेक द वर्ल्ड अ मोर सस्टेनेबल प्लेस, और दूसरा टॉपिक है इफ़ यू रिसीव दिस स्कॉलरशिप हाउ विल यू यूज इट टू एडवांस योर पैसन एंड गोल्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप। मतलब अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल गया तो आप इसका यूज किस तरह से करने वाले हैं अपने पैसन और गोल्स से को अचीव करने के लिए। और दूसरा जो आपको इसमें 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, एक तो ये 300 वर्ड में इस दोनों टॉपिक पर रहेगा, और दूसरा रहेगा 250 वर्ड में उसका जो टॉपिक है, उसका टॉपिक है कि व्हाट एडवर्सिटी हैव यू फेस्ड एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट योर करियर। ये है टॉपिक। और उसके बाद क्या करना है कि आपको 1 मिनट का वीडियो भी शूट करना है, और उसको उसमें आपको बताना है कि मतलब आपको यह स्कॉलरशिप कैसे मिला, या फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर दैट कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ वीडियो विच इज़ मैक्सिमम ऑफ 1 मिनट। आपको 1 मिनट का वीडियो बनाना टेलिंग अस व्हाई वुड यू लाइक टू गेट दिस स्कॉलरशिप। आपको यह स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, और आपको इसको यूट्यूब पर अपलोड करके और उस वीडियो का लिंक आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा आपको सबमिट कर देना है। तो ये रहा आपका प्रोसेस कि कैसे आपको उसमें अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप में। उसके बाद है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जैसे यहाँ देखिए आप ही दिया हुआ है कि टू गेट दिस स्कॉलरशिप द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू गिवन सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसे राइटिंग एंड अदर एप्लीकेशन मटेरियल विच इज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ द स्कॉलरशिप। आप जो अपना वीडियो लेक्चर डालेंगे और जो एसे लिखेंगे तो उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, और जो आपने अपने बारे में डिटेल्स ऐड किया अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उन सब डिटेल्स को ही चेक करके बढ़िया से, और उसके बाद आपको यह स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और इस स्कॉलरशिप की रिवार्ड की बात करें तो मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इसमें आपको 750 $ मिलने वाले हैं, और इंडियन करेंसी में इसकी बात करें तो यह लगभग 54,000 के आसपास यानी 54,000 के आसपास होता है। तो इस वीडियो में इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.